Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we will be starting with your long man, New Images, a comprehensive course in English, class 6, 5th edition, chapter 14, and the name of the chapter is The Fir Tree. The theme of this chapter is Animals and Plants. The word for today is fir. It is an evergreen forest tree with needle-like leaves. There are more than 40 species of fir. They are native to North and Central America, Europe, Asia, and Northern Africa. They are primarily cultivated to be used as Christmas tree. Basically, जो Christmas tree होता है, उसी को हम fir बोलते हैं. इसके 40 species पाए जाते हैं नॉर्थ में, सेंट्रल अमेरिका, यूरोप, एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका में. इसी का क्रॉस कनेक्ट है FIR, दैट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट मेड बाय द पुलिस ऑन फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्राइम. जब भी कोई क्राइम के बारे में पुलिस को पता लगता है, सबसे पहले जो कंप्लेन वो लॉन्च करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. शॉर्ट में बोलते हैं FIR. द फर ट्री इज नॉट कनेक्टेड कंटेंटेड विद इट्स लाइफ. रीड ऑन टू फाइंड आउट इफ इट फाइंड्स व्हाट इट सीक्स. हमारा जो फर ट्री है वो खुद से सेटिस्फाई नहीं है. हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है जो उन्हें चाहिए, उस फर ट्री को चाहिए, क्या उसे वो मिलता है या नहीं मिलता है. ये बेसिकली एक प्ले है जिनके कैरेक्टर्स हैं फर ट्री, स्पैरो, स्वेलोस, चिल्ड्रन, मैन, माउस वन, माउस टू एंड अ चाइल्ड. एक्ट वन, सीन वन. अ टॉल एंड स्टेटली यंग फर ट्री स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द लश ग्रीन वुड्स. जब सीन ओपन हो रहा है स्टोरी का, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा फर ट्री है जो कि एक बड़े से एरिया में बीचों बीच खड़ा हुआ है. द ट्री इज़ सराउंडेड बाय अदर टॉल फर एंड पाइन ट्रीज. ये जो ट्री है, इसके आसपास और भी दूसरे टॉल फर और पाइन ट्रीज हैं. द सन शाइन्स एंड अ फ्रेश ब्रीज ब्लोज थ्रू द ब्रांचेस. सन जो है बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है. इट इज़ ऑटम and a few woodcutters cut down some of the fir trees. Autumn season ka time hai, yahan pe woodcutters hain jinhone kuch fir trees ko kaat diya hai. Fir tree frightened yani ke dara hua. Oh dear, these woodcutters come every year and cut down my friends. Where do they take them? अब फर ट्री क्या बोल रहा है डरते डरते कि ये जो वुड कटर्स हैं, ये हर साल इसी टाइम पर आते हैं और मेरे फ्रेंड्स को काट कर लेकर जाते हैं. कहाँ लेकर जाते हैं? टू स्पैरोज कम नियर द फर ट्रीज. दो स्पैरो हैं जो कि फर ट्री के पास आती हैं. फर ट्री टू द स्पैरोज. डू यू नो व्हाट हैपेंस टू दीज पुअर ट्रीज हु आर बीइंग ड्रैग्ड आउट ऑफ द वुड्स. अब फर ट्री उन दोनों स्पैरोज से पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि उन बेचारे पेड़ों का क्या होता है जिन्हें यहाँ से काट कर इन जंगलों से बाहर ले जाया जाता है. स्पैरोज, वी नो, वी मेट मैनी शिप्स एज वी वर फ्लाइंग हियर फ्रॉम इजिप्ट. ऑन द शिप्स वर मैग्निफिसेंट मास्ट एंड दे स्मेल्ट ऑफ फर. स्पैरोज ने बताया, हाँ हमें पता है, जब हम यहाँ से, मतलब यहाँ उड़कर आ रहे थे इजिप्ट से, तो हमने एक शिप देखी थी और उस शिप के ऊपर बहुत बड़े बड़े मास्ट थे और उसमें से फर की स्मेल आ रही थी. फर ट्री अघास्ट. ओ नो, फर ट्री को काफ़ी बुरा लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. नाउ कम्स सीन टू. इट इज़ विंटर नाउ. अब ऑटम का टाइम ख़त्म हो चुका है. सेकंड जो सीन की हम बात कर रहे हैं वो विंटर का टाइम है. द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस विल अराइव इन अ फ्यू डेज. कुछ ही दिनों में क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है. द वुड कटर्स आर बैक इन द वुड्स. दे कट डाउन सम मोर फर ट्रीज फ्रॉम द वुड्स. अब क्योंकि क्रिसमस का टाइम आने वाला है, वुड कटर्स फिर से जंगलों में आ गए हैं और उन्होंने कुछ और फर ट्रीज को काट लिया है. फर ट्री, दे आर बैक.
वेयर आर दे टेकिंग द ट्रीज टू? इस बार फर ट्री बोलता है ये तो फिर से आ गए, इस बार ये पेड़ को कहाँ लेकर जा रहे हैं? स्वैलो सिटिंग ऑन अ नियर बाय ट्री, एक स्वैलो पास ही के पेड़ पर बैठा हुआ था, उसने बताया आई नो आई हैव पीप्ड इन एट द विंडोज इन द टाउन बिलो, द ग्रेटेस्ट मैग्निफिसेंस वन कैन इमेजिन अवेट्स देम, आई सॉ देम प्लांटेड इन द मिडल ऑफ द वार्म रूम एंड डेकोरेटेड विद द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स, विद गोल्डन एप्पल्स, विद जिंजर ब्रेड, विद टॉयज एंड मैनी हंड्रेड लाइट्स. स्वैलो ने बताया था मैंने टाउन में खिड़की के अंदर देखा था, तो अभी तो इनका बहुत वार्म वेलकम होने वाला है. एक रूम के अंदर इसको रखा जाता है मिडल में, फिर इसको डेकोरेट करेंगे गोल्डन एप्पल से, जिंजर ब्रेड से. जिंजर ब्रेड इज़ अ केक और अ बिस्किट दैट इज़ मेड विद जिंजर. टॉयज, मैनी हंड्रेड लाइट्स, बहुत सी चीज़ों से इसको सजाएंगे अभी. फर ट्री ने बोला रियली व्हाट हैपेंस देन? अच्छा इतना डेकोरेशन होता है तो उसके बाद आगे क्या होता है? स्वैलो वी डिड नॉट सी एनीथिंग मोर, इट वॉज ब्यूटिफुल. स्वैलो ने बताया इससे ज़्यादा तो मैं नहीं देख पाया लेकिन ब्यूटिफुल बहुत था. फर ट्री लॉन्गिंगली, दिस इज स्टिल बेटर देन टू क्रॉस द सी. When will Christmas come? I'm not now tall and my branches spread like the others that were carried off last year. Fir tree ने बोला ये तो फिर भी अच्छा है, वरना पेड़ों को तो सी के दूसरी साइड लेकर जाते हैं. खैर क्रिसमस कब है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी ब्रांचेस भी स्प्रेड हो चुकी हैं उन्हीं पेड़ों की तरह जिनको हर साल यहाँ से काट दिया जाता है. Air and sunlight rejoice in our presence. But the tree does not rejoice at all. He grows taller and greener in both winter and summer. Towards Christmas, he is one of the first that is cut down. He falls to the earth with a sigh. He feels a sharp pain. He cannot think of happiness, for he is sorrowful at being separated from his home. Ab air aur sunlight bolte hain, hum log yahan par hain, tum rejoice karo. लेकिन ट्री रिजॉइस नहीं करता है, वो और ग्रो करता है, और लंबा और ग्रीनर. वो विंटर में भी ग्रो करता है, समर में भी ग्रो करता है. वापस से क्रिसमस का टाइम आ चुका है और वो उस सीज़न का पहला ट्री था जो कि कट जाता है. वो ज़मीन पर गिरता है, उसे बहुत दर्द भी होता है और इस टाइम पर वो खुशी के बारे में नहीं सोच सकता था बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा सैड था क्योंकि अब उसे उसके घर से दूर ले जाया जाएगा. फर ट्री साइज, ओ इट हर्ट्स. द फर ट्री इज लोडेड इन अ कार्ट विद अदर ट्रीज एंड टेकन आउट ऑफ द वुड्स. फर ट्री को बोलता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है. उसके बाद फर ट्री को भी बाकी पेड़ों के साथ एक कार्ट में लोड किया जाता है और जंगलों से बाहर ले जाया जाता है. नाउ कम्स एक्ट टू सीन वन. द ट्री इज अनलोडेड इन अ कोर्टयार्ड and then carried into a large drawing room in a big house. Some people are gathered in the room. They are very excited to see the big tree. Tree ko unload kiya gaya ek courtyard mein, fir use carry karke drawing room mein laya gaya. Bahut bada drawing room tha jahan pe bahut se log khade hue the, excited the wo tree ko dekhne ke liye. Woman, look at this beautiful tree. I cannot wait to decorate it. Ek woman ne bola देखो तो सही कि कितना बड़ा ट्री है, कितना सुंदर है, मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है, इसको डेकोरेट करना चाहती हूँ मैं. द पीपल ऑफ द हाउस स्टार्ट डेकोरेटिंग द ट्री. सारे लोग ट्री को डेकोरेट करने में लग गए. दे हैंग लिटिल नेस्ट मेड ऑफ कलर पेपर एंड फिल्ड विद शुगर प्लम्स ऑन द ट्रीज ब्रांचेस. शुगर प्लम्स आर छोटा छोटा स्वीट दैट इज मेड ऑफ फ्लेवर्ड शुगर. On the branches, they hang gilded apples and walnuts on other boughs of the tree and place little blue and white tapers among its leaves. Gilded means covered with a thin layer of gold. तो gold color के छोटे छोटे apples थे, walnuts थे, on other boughs. Boughs are the branches of the tree. And little blue and white tapers. Tapers are कैंडल्स. वो कैंडल्स लगा रहे हैं पेड़ों पर, डेकोरेट कर रहे हैं बेसिकली.
They place boxes covered with colorful paper beneath the tree. Finally, they fix a large red star at the top of the tree. It looks splendid. उन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस थे जो कि कलरफुल पेपर से रैप्ड थे उसे पेड़ के नीचे रख दिया और एक बड़ा सा स्टार उन्होंने ट्री के बिल्कुल ऊपर लगा दिया था. इट लुक्स स्प्लेंडेड. स्प्लेंडेड मीन्स एक्सेलेंट. बहुत सुंदर दिख रहा था. एवरीवन इन द हाउस एक्साइटेड हाउ इट विल शाइन दिस इवनिंग. सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि शाम को कितना शाइन करेगा ये, कितना ब्यूटीफुल लगेगा ये. फॉर ट्री प्लीज्ड, ओ परहैप्स इन द इवनिंग द अदर ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट विल कम टू लुक एट मी. फॉर ट्री को लगा शाम को शायद जंगल में से बाकी ट्रीज भी मुझे देखने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं. एक्ट वन सीन टू. द पीपल लाइक द टेपर्स प्लेस्ड इन द ट्रीज ब्रांचेस. टेपर्स थे जो छोटी छोटी कैंडल्स थी जो कि इन्होंने डेकोरेट करने के लिए ट्री के ऊपर लगाई थी. रात के टाइम पर इन्होंने उसे जलाया. द फर ट्री ट्रेम्बल्स विद हैप्पीनेस. फर ट्री को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि उसको इतना डेकोरेट किया गया है. मच टू इट्स चैग्रिन वन ऑफ द टेपर्स सेट फायर टू द फोलिएज. चैग्रिन इज अ फीलिंग ऑफ बींग अनॉयड एंड फोलिएज इज लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. कुछ ही देर में क्या हुआ कि एक कैंडल से उसकी ब्रांच पर आग लग गई. इट स्टार्ट्स बर्निंग. सम ऑफ द मैन क्विकली पुट आउट द फायर. एकदम से क्या हुआ, पेड़ के जो लीव्स थी, ब्रांचेस थी, वो जलने लग गई. कुछ लोगों ने जल्दी से उस आग को वहीं के वहीं बुझा दिया. फॉर ट्री नर्वसली, ओ डियर आई कैन नॉट मूव इवन नाउ, आई फील वेरी अनईजी. फर ट्री ने बोला, मैं तो अब हिल भी नहीं सकता हूँ, मूव ही नहीं कर सकता हूँ, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे. सडनली बोथ द डोर्स ओपन एंड अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन रशेज इन. एकदम से गेट ओपन होता है और ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वहाँ पर भाग कर आते हैं. दे डांस राउंड द ट्री एंड पुल ऑफ प्रेजेंट्स वन आफ्टर द अदर. दे पे नो अटेंशन टू द पुअर ट्री. कुछ देर में बच्चे उस ट्री के आसपास डांस कर रहे हैं, अपने प्रेजेंस को वहाँ से हटा रहे हैं. उन्होंने उस ट्री के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया. फर ट्री, व्हाट आर दे अबाउट, व्हाट इज़ टू हैपन नाउ. फर ट्री को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है, अब आगे क्या होएगा. चिल्ड्रन ड्राइंग अ लिटिल फैट मैन टूवर्ड्स द ट्री. अ स्टोरी, अ स्टोरी. जो बच्चे थे उन्होंने एक फैट मैन को, एक मोटे से आदमी को बाहर लेकर आए ट्री के पास और बोला, हमें एक स्टोरी सुनाओ, एक कहानी सुनाओ. मैन सिटिंग अंडर द ट्री, नाउ वी आर इन द शेड एंड द ट्री कैन लिसन टू. मैन ट्री के नीचे बैठता है और बोलता है, अब हम इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, इसकी छाया में बैठे हैं, इसका मतलब पेड़ भी हमारी बातें सुन सकता है. बट आई शैल टेल ओनली वन स्टोरी. लेकिन आज मैं तुम्हें सिर्फ एक ही कहानी सुनाने वाला हूँ. नाउ विच विल यू हैव, दैट अबाउट आईवडी एवडी और अबाउट हम्प्टी डम्प्टी हु टम्बल्ड डाउनस्टेयर्स एंड येट आफ्टर ऑल केम टू द थ्रोन एंड मैरिड द प्रिंसेस. अब उन्होंने, मैन ने बोला बच्चों से कि मैं तुम्हें एक ही कहानी सुनाने वाला हूँ, तो बताओ किसकी कहानी सुननी है, आईवडी एवडी की या फिर हम्प्टी डम्प्टी की जो कि नीचे गिर गए थे और उसके बाद भी उन्होंने ऊपर गए और प्रिंसेस से शादी करी थी. फॉर ट्री वंडरिंग, हम्प्टी डम्प्टी फेल डाउनस्टेयर्स एंड येट ही मैरिड द प्रिंसेस. यस यस, दैट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड. फॉर ट्री खुद ही सोच रहा था, हम्प्टी डम्प्टी ऊपर से गिरा, उसके बाद भी उसने प्रिंसेस से शादी करी. हाँ हाँ, इसी तरीके से तो हमें लाइफ में जीना चाहिए. सीन थ्री. इन द मॉर्निंग द हाउस मेट्स टेक ऑफ द डेकोरेशंस फ्रॉम द ट्री, ड्रैग इट अपस्टेयर्स एंड लीव इट इन अ डार्क कॉर्नर ऑफ द लॉफ्ट. लॉफ्ट इज अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ ऑफ द हाउस विच इज ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स. नेक्स्ट डे जब क्रिसमस ईव ख़त्म हो गई थी तो हाउसमेट्स यानी कि घर में रहने वाले लोगों ने क्या करा, उस ट्री के ऊपर से सारी डेकोरेशन हटा दी
और उस ट्री को उठा के स्टोर रूम में रख दिया. फर ट्री अपसेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट एम आई टू डू इन दिस डार्कनेस. फर ट्री बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. उसने बोला इसका मतलब क्या है, अब मैं इस डार्कनेस में क्या करूँगा. सेवरल डेज गो बाय, द ट्री स्टैंड्स अलोन एंड इग्नोर्ड, एवरीवन हैज फॉरगॉटन इट. काफ़ी दिन बीत चुके थे, ट्री वहीं पर था अकेला, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, सब उसके बारे में भूल गए थे. एक्ट थ्री सीन वन, सम माइस आर रनिंग अराउंड इन द लॉफ्ट, दे स्मेल द फर ट्री एंड रसल अमंग इट्स ब्रांचेस. कुछ माइस, कुछ चूहिया वहाँ पर थे, चूहे थे वहाँ पे, और उनको जैसे ही फर ट्री की स्मेल आई तो उन्होंने मेक अ रसल, मीन्स अ लाइट ड्राई साउंड लाइक अ पेपर और लीव मूविंग और रबिंग टुगेदर. तो ये जो छोटे छोटे चूहे थे ये जाकर फर ट्री के ब्रांचेस में घूमने लगे. माउस वन स्क्वीक स्क्वीक, माउस वन बोल रहा है स्क्वीक स्क्वीक. माउस टू, इट इज ड्रेडफुली कोल्ड बट फॉर दैट इट वुड बी डिलाइटेड डिलाइटफुल हेयर ओल्ड फर वुडंट इट. माउस टू ने बोला कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो यहाँ पे रहना कितना अच्छा है ना. फर ट्री मोरोस, आई एम बाय नो मीन्स ओल्ड. फर ट्री ने बोला मैं अभी ओल्ड नहीं हुआ हूँ, बूढ़ा नहीं हुआ हूँ. माउस टू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, टेल अस अबाउट द मोस्ट ब्यूटिफुल स्पॉट ऑन द अर्थ. माउस टू ने फर ट्री से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, हमें भी बताओ दुनिया में अर्थ के ऊपर सबसे सुंदर जगह कौन सी है. फर ट्री साइज, आई ओनली नो द वुड वेयर द सन शाइन्स एंड वेयर द लिटिल बर्ड्स सिंग. फर ट्री दुखी होकर बोलता है मुझे तो एक ही जगह के बारे में पता है, जंगलों के बारे में, जहाँ पर सुबह सुबह सनशाइन करता है और बर्ड्स जो हैं वो गाना गाती हैं. माउस वन ने बोला हाउ मच यू हैव सीन, हाउ हैप्पी यू मस्ट हैव बीन. माउस वन ने बोला तुमने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है, तुम कितने खुश होंगे. फर ट्री, यस दोज वर हैप्पी टाइम्स. फर ट्री ने बताया हाँ उस टाइम पे मैं बहुत खुश होता था, बहुत अच्छा टाइम था वो. एंड देन ही टोल्ड अबाउट क्रिसमस ईव व्हेन ही वाज डेक्ड आउट विद केक्स एंड कैंडल्स. फर ट्री ने आगे बताया उस क्रिसमस डे के बारे में, क्रिसमस ईव के बारे में, जिस दिन उसे यहाँ पर लाया गया था और उसको केक्स और कैंडल से डेकोरेट कर दिया गया था. माउस टू, ओ हाउ फॉर्चुनेट यू हैव बीन ओल्ड मैन फर ट्री. माउस टू तो बड़ा खुश हो गया कि आप कितने किस्मत वाले हो, इतनी ब्यूटीफुल जगह पर भी जाकर आए हो, आपको इन लोगों ने डेकोरेट भी किया था. फर ट्री, आई एम बाय नो मीन्स ओल्ड, आई केम फ्रॉम द वुड दिस विंटर, आई एम क्वाइट यंग, दे मे स्टिल कम. हम्प्टी डम्प्टी फेल डाउनस्टेयर्स येट ही गॉट अ प्रिंसेस. फर ट्री ने दोबारा से रिपीट करा कि मैं ओल्ड नहीं हुआ हूँ, मैं इसी विंटर तो आया हूँ वुड से निकल के, और मैं तो अभी काफ़ी यंग हूँ, वापस से वो लोग आ सकते हैं. फिर उसने वही याद करा हम्प्टी डम्प्टी फेल डाउनस्टेयर्स, हम्प्टी डम्प्टी नीचे गिरा था लेकिन उसके बाद भी उसने प्रिंसेस से शादी की है. माउस वन, हु इज हम्प्टी डम्प्टी. अब माउस वन को तो नहीं पता था तो उसने पूछा कि हम्प्टी डम्प्टी कौन है. सो देन द फर ट्री टोल्ड द होल फेरी टेल. फिर फर ट्री ने पूरी हम्प्टी डम्प्टी की जो कहानी है वो माउस को सुनाई. नेक्स्ट डे द टू माइस केम अगेन टू लिसन टू हिज स्टोरीज बट दे डिड नॉट फाइंड देम टू इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट डे दोनों माइस फिर से फर ट्री के पास आई स्टोरी सुनने के लिए, लेकिन अब जो स्टोरी उन्होंने सुनाई वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग उन लोगों को नहीं लगी. माउस वन, डू यू नो ओनली वन स्टोरी. माउस वन ने पूछा क्या तुमको सिर्फ एक ही कहानी आती है. फर ट्री, ओनली दैट वन. फर ट्री ने बताया हाँ मुझे बस एक ही कहानी आती है. माउस टू, इट इज़ अ वेरी स्टूपिड स्टोरी, कांट यू टेल एनी अदर स्टोरीज. माउस टू ने बोला ये तो बहुत ही स्टूपिड स्टोरी है, क्या तुम हमें और कोई दूसरी स्टोरी नहीं सुना सकते हो. फर ट्री रूडली, नो. फर ट्री ने बड़े रूडली जवाब दिया नहीं मुझे एक ही आती है. माइस टुगेदर देन गुड बाय. दोनों माइस ने साथ में बोला ठीक है फिर हम जा रहे हैं. द माइस लीव, द ट्री इज लोनली अगेन.
माइस वहां से चले जाते हैं और दोबारा से जो ट्री है वो अकेला रह जाता है. सीन टू, द विंटर सन इज शाइनिंग ओवर द टाउन. विंटर सीजन आ चुका है वापस से, सन पूरे के पूरे टाउन पर शाइन कर रहा है. द चिल्ड्रन हु लिव इन द हाउस आर प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड. जो बच्चे उस घर में रहते थे वो नीचे कोर्टयार्ड में खेल रहे हैं. द फर ट्री इज ब्रॉट डाउन स्टेयर्स फ्रॉम द लॉफ्ट एंड लेफ्ट इन द यार्ड. लेफ्ट इन द यार्ड अ फ्रेश ब्रीज रसल्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. फर ट्री को भी नीचे लाया जाता है और उसे यार्ड में छोड़ दिया जाता है. वापस से उसके ब्रांचेस के वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं गुजरती हैं. फर ट्री थ्रिल्ड, नाउ अ मेरी लाइफ विल बिगिन अगेन. आई शैल रियली एंजॉय लाइफ नाउ. फर ट्री ने बोला वापस से वो अच्छी लाइफ स्टार्ट होने वाली है और मुझे उसको इंजॉय करना चाहिए. बट अलास, हिज लीव्स आर ऑल ड्राई एंड येलो. लेकिन अब उसकी सारी जो लीव्स हैं वो ड्राई हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं और येलो कलर की हो चुकी हैं. इन द कोर्ट यार्ड सम ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हु हैड डांस्ड एट क्रिसमस राउंड द फर ट्री. दे आर ग्लैड एट द साइट ऑफ हिम. वन ऑफ देम रैन एंड टोर ऑफ द रेड स्टार. वहाँ पर यार्ड में, कोर्ट यार्ड में वही बच्चे खेल रहे थे जो उस दिन क्रिसमस के टाइम पर फर ट्री के आसपास डांस कर रहे थे. उनमें से एक बच्चा आगे आया भागकर और इस ट्री के ऊपर जो रेड स्टार लगा हुआ था उसे वहाँ से खींच कर निकाल कर लेकर जाता है. चाइल्ड ट्रैम्पलिंग ऑन द ब्रांचेस, ओनली लुक वॉट इज स्टिल ऑन द अगली ओल्ड क्रिसमस ट्री. द ट्री बिकम्स सैड. बच्चा बोलता है उसके ब्रांचेस के ऊपर पैर रखते हुए कि देखो इस बेकार से ट्री पर क्या रह गया है. और ये सुनकर जो ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है. फर ट्री, इट्स ओवर, इट्स पास्ट. आई शुड हैव रिजॉइज्ड व्हेन आई हैड रीजन टू डू सो. नाउ इट्स पास्ट. रिजॉइज्ड मीन्स फेल्ट और शोड ग्रेट जॉय और डिलाइट. सनशाइन ने उस टाइम पे बोला था इसको कि तुम अभी खुश रह लो, खुश हो जाओ. लेकिन इसने उसकी बात नहीं सुनी थी. जब इसको एयर और सनलाइट ने बोला था तब तो इसका ध्यान बड़े होने में था, और आज जब ये इन्जॉय करना चाहता था तो वो इन्जॉयमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका था. और अब इसके लाइफ में और कुछ ऐसा नहीं था जिसके लिए ये इन्जॉय करे. सो दैट वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. इफ़ यू वॉन्ट कॉन्टैक्ट मी, माई ई मेल आई डी इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब and share. Thank you so much. Keep watching.